अस्सलाम वालेकुम। आज MIR एजुकेटर स्कूल सिस्टम में कोरोना वैक्सीन कैंप लगाया गया था और कोरोना वैक्सीन कैंप राजस्थानी फिलाही इताद पाकिस्तान की जानब से लगाया गया था। ये गवर्नमेंट ऑफ सिंध से मंजूर शुदा हैं NGOs है। इसने आज MIR एजुकेटर में कोरोना वैक्सीन के लिए कैंप लगाया गया, जिसमें बच्चों बूढ़ों बुज़ुर्गों ने तमाम ने वैक्सीन कराई। ये वैक्सीन का अमल हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर एंट्री की जाती है, उसके बाद अंदर डॉक्टर बैठे हुए हैं जो उनको वैक्सीन लगाते हैं। ये एंट्री का सिस्टम यहाँ पर जारी है इस वक्त। ये MIR एजुकेटर स्कूल सिस्टम में वैक्सीन के जो ये मनाजर आप देख रहे हैं, और ये वैक्सीन अंदर लगाई जा रही है, और हाथों हाथ जो है उनकी डिवाइस में जो है एंट्री भी की जाती है, और फौरन ही SMS मौसूल हो जाता है कोरोना वैक्सीन लग चुका है और फर्स्ट डोज है या किसी की सेकंड डोज है, तो हाथों हाथ ये एंट्री भी उसकी SMS पे आ रही है। काफ़ी गाड़ियां ऐसी आती हैं इलाकों में कि वो कोरोना वैक्सीन कर लेती हैं, डेटा कलेक्ट कर लेती हैं और वहाँ जाकर सेंटरों में डेटा जो है एंट्री करते हैं, जिनके मैसेज कभी कभी आ जाते हैं तो कभी कभी लेट भी हो जाते हैं। तो बहरहाल हमने ये जो कोरोना वैक्सीन के कैंप लगाई थी ये बर वक्त हो रही थी। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट संडे पे कोरोना वैक्सीन की गाड़ी आएगी। ये टीम की जो है ग्रुप फ़ोटो आप देख रहे हैं इस वक्त। अगर आप लोगों ने कोरोना वैक्सीन लगानी हो तो नेक्स्ट संडे में इंशाल्लाह जो है MIR एजुकेटर कैंपस 2 में ये वैक्सीन की गाड़ी दोबारा आएगी और फ्री कैंप लगाया जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, अगर आप चाहते हैं कि ऐसे अमल ये MIR एजुकेटर करता रहे, तो हमें ज़रूर जो है कमेंट्स करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। आप मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।